हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, एक्सरसाइज 35। इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, जो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई था उसका वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो इसको हम लोग आज के सॉल्व कर लेते हैं। भाई, मैं आप लोगों को बतलाता हूँ, यहाँ पर काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर वन नंबर ले लेते हैं, ये है वन नंबर, और इसमें ए नंबर में फाइंड, मतलब इसको निकालने के लिए कह रहा है 2/5 ऑफ ए रुपी, एक रुपये का 2/5 कितना होता है, उसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो ये नंबर हम लेते हैं यहाँ पे, और दिया हुआ है 2/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है ये रुपी। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम ले लेते हैं वन रुपी इक्वल टू कितना होता है 100 पैसे, 100 पैसे ये हो गया, इसको ब्रैकेट में कर दिए। अब यहाँ पे इस 100 को ही इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/5 इंटू 100, इसको 5 से काट देंगे, 5 2 जा 10 हो गया और ये 0 इस पे लग गया, 25 जा 100 होता है, तो 22 जा 40 हो गया, तो मतलब 40 पैसे। यहाँ पैसे चेंज करके हम लोग निकाले हैं, इसीलिए इसमें पैसे हो जाएंगे 40 पैसे, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है बी नंबर में 3/4 ऑफ ए किलोमीटर, मतलब एक किलोमीटर का इतना निकालना है, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में ले लेते हैं 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ये होता है, तो 1000 को ही हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 ऑफ 1000 का इतना, तो इसको काट देते हैं 4, ये कट जाएगा, 4 2 जा 8 हो गया, 8 और यहाँ पे 2 बच गया, तो 2 0 20 हुआ, तो 4 5 जा 20 और ये 0 1 बच गया, ये हो गया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 25 3 जा 75 होता है 75, और उस पर 1 0 लगा दिए, तो इतना मीटर हो गया, ये मीटर में आया इसका आंसर, मीटर में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सी नंबर इसमें दिया हुआ है 1 और दिया है, तो यहाँ पर सी नंबर ले लेते हैं, सी यहाँ पर दिया हुआ है 7/10 ऑफ ए लीटर, तो लीटर एक लीटर में कितना होता है, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में दे देते हैं 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ये हो गया, तो 1000 मिलीलीटर का 7/10 निकालेंगे, 7/10 ऑफ 1000, 1 0 1 0 काट दिया, तो 100 बच गया, 100 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 700 इतना ही रहेगा 700 ml, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ इतना रुपीज़, एक इलेक्ट्रिक बल्ब का कीमत इतना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 50 बल्ब्स, तो 50 बल्ब का कीमत निकालना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्ट ऑफ 1 बल्ब इक्वल टू कितना दिया हुआ है ₹6 and 1/2, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इसको सीधा कर लेते हैं, 6 2 जा 12 हो गया, 12 और 1 13 हो गया, 13/2, तो कॉस्ट ऑफ 50 बल्ब्स का कॉस्ट निकालने के लिए कह रहा है, कॉस्ट ऑफ 50 बल्ब्स, यहाँ पे बल्ब दिया हुआ, एक बल्ब है इसलिए एस नहीं लगाया, यहाँ एक से ज़्यादा है इसलिए एस लगा दिए हैं, प्लूरल हो गया, और इसको जो है एक बल्ब का कीमत 50 बल्ब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 बल्ब का कीमत आ जाएगा, 50 से 50 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर 2 ये कट जाएगा 25, 25 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 13 मल्टीप्लाई, तो 25 3 75 75 और 25 1 जा 25, ये हो गया 5 हो गया, यहाँ पे 7 5 12 के 2 और 1 बच गया, तो 3 यहाँ पे 3 हो जाएगा, मतलब है कि इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा ₹325 और ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज कॉस्ट, मतलब उसका कीमत इतना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 मीटर ऑफ क्लॉथ, सेम क्वेश्चन इसी तरह से है, इसको भी इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर क्लॉथ इक्वल टू ₹13 and 2/5, इसको सीधा कर लेते हैं, 13 का टेबल पढ़ेंगे, 3 6 54 65
और 2 67 बाय 5, ये हो गया। तो फिर कॉस्ट ऑफ 15 यहाँ पे हो जाएगा, 15 मीटर का निकालने के लिए बोल रहा है, 15 मीटर क्लॉथ ये हो जाएगा। तो यहाँ जो दिया हुआ है उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 67 बाय 5 इंटू 15 क्या होगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे 3 बार में कट गया, 5 3 15, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 21 का 1 हो गया, 2 बचा हुआ है, और 6 3 18 18 और 18 और 2 20 हो गया, 20 तो इतना रुपीज हो जाएगा, इतना रुपीज कॉस्ट पड़ेगा 15 मीटर कपड़े का, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क इज रुपीज इतना। अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा किया हुआ है, यहाँ पे इसको सीधा दिया हुआ है और यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। 1 लीटर दूध का कीमत 24 रुपया है, तो फिर इतना लीटर दूध का कीमत क्या होगा, तो यहाँ पे सेम निकलेगा इसी तरह से, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इक्वल टू रुपीज 24 और कॉस्ट ऑफ इतना लीटर हो गया, कॉस्ट ऑफ 14 एंड 1/2 लीटर मिल्क इक्वल टू, तो 24 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 14 1/2, इसको सीधा कर लेते हैं, यहाँ पे ये 14 इंटू 14 टू जा 28 और 1 29 हो गया, और यहाँ पे 2 तो 2 से ये कट गया, 12 टू जा 24 तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे कर लेते हैं 29 और 12, यहाँ पे 9 टू जा 18 1 बच गया, और 2 टू जा 4 और 1 5 हो गया, और 29 1 जा 29 ही रहेगा, यहाँ पे 8 और 9 5 जा 9 5 14 हो गया 1 और यहाँ पे हो गया 3, तो इसका मतलब है रुपीज़ 348 इतना कीमत पड़ेगा इतना लीटर दूध का, तो ये आंसर हो गया।